99 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ वैद्य रितिका गौतम और 99 न्यूज के इस खास कार्यक्रम हर हर महादेव में आप सभी का स्वागत है। पांचवा दिन है और अगर पांचवे दिन की बात करें तो देवघर के बाबा मंदिर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मंदिर के पुरोहितों की माने तो अब दिन प्रतिदिन जो है शिव भक्तों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे देवघर मंदिर की। देखिए किस तरीके से पूरा मंदिर जो है बोलबम के नारे से गूंजमान है। सभी कांवरिया भक्त भगवा रंग में रंग गए हैं या फिर कहे तो शिव के रंग में रंग चुके हैं। भक्तों का कहना है कि साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है जो वो महादेव की सेवा कर सके। इसी कड़ी में पूरे मंदिर परिसर का जायजा लिया। कब उठाए जल? कब उठाए? बुधवार को उठाया है, सुबह 9 बजे जल उठाया है स्थापना। बुधवार को। अच्छा, जलार्पण कब किए बाबा का? जलार्पण थोड़ा देर जस्ट पहले किए। कैसा अनुभूति हुआ? अनुभूति बहुत अच्छा हुआ। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। सारा फैसिलिटी भी है। सारा फैसिलिटी है। कोई तरह की किसी प्रकार का कोई त्रुटि भी नहीं है। प्रशासन के द्वारा प्रोटेक्शन पूरा जोर जबरदस्त लगा हुआ है। कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बम से हम लोग बम से आते, कहाँ से आए अभी? नाम बताइए। सुल्तानगंज से सुमित सिंह। सुल्तानगंज से आए? कैसी व्यवस्था है? जल बढ़िया व्यवस्था कर दिए? बढ़िया जलार्पण कर दिए? हाँ कर दिए। सुमित सिंह नाम बताए? सुमित सिंह। अच्छा व्यवस्था है? बढ़िया एक नंबर। कोई प्रशासन से कोई त्रुटि नहीं? नहीं प्रशासन से कोई त्रुटि नहीं, सब अच्छा व्यवस्था है, सब ठीक है। आज ही जलार्पण किया? अब भी जस्ट करके आए। व्यवस्था से आप काफी खुश हैं? एकदम। देख सकते हैं यहाँ पे कांवरिया सब जो है उन लोग से भी बातें करते हैं। सबसे पहले आते हैं, देखते हैं कैसी व्यवस्था चल रही है यहाँ पे। और कुछ बम से हम लोग बातें करते हैं। सबसे पहले एक माता है, उनसे हम लोग बातें कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? महाराजगंज से। कहाँ से? महाराजगंज जिले से। महाराजगंज। कैसी व्यवस्था रही चाची? अच्छी है, अच्छी व्यवस्था। जल जल डाल दिए बाबा को? हाँ डाल दिए। कब निकाल उठाए थे जल? जल कब उठाए थे सुल्तानगंज से? तीन बजे। क्या नाम हुआ चाची आपका? जनक कुमारी। कहाँ से? महाराजगंज जिले से। महाराजगंज जिले से। अच्छा, आज कब उठाए थे सुल्तानगंज से जल? तीन बजे। आज? हाँ जी। डाक पम आप लोग हैं क्या? गाड़ी से आए। व्यवस्था कैसी है? सही है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। भोलेनाथ के दरबार में बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था? बहुत अच्छी। मन खुश है क्या? बहुत मन खुश है। देख सकते हैं सब कांवरिया सब जो है बहुत ज्यादा खुशी है। और बाबा के प्रांगण में भीड़ आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है, कितना शानदार भीड़ है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कुछ और कांवरिया सबसे जुड़ते हैं, उन लोग से भी राय लेते हैं कि कैसा है यहाँ का। कहाँ से आए हैं बाबा? ये परिचय अपना। हम रायपुर से आए हैं। कहाँ से? रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ रायपुर। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर की धरती से जो है बैद्यनाथ के धरती पे। कब जल उठाए आप? 22 तारीख को उठाए। 22 तारीख को। कैसा रहा व्यवस्था? कैसा है? अच्छा है। खुश हैं आप लोग? बाबा के दरबार में आए कैसा अनुभूति महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। सुल्तानगंज से 22 तारीख को जल उठाए थे ना आप? चलिए हमारे साथ और कुछ बम है, उन लोग से भी बातें करते हैं। जल कहाँ मिलेगा बाबा? पार्वती जी के लिए जल कहाँ मिलेगा? आगे यहाँ से उठाइए बाबा। आगे से मिलेगा। कहाँ से आए बाबा? मोतिहारी जिला से। मोतिहारी जिला से। आप बोलिए कहाँ से आए हैं? हम रायपुर छत्तीसगढ़ से आए बम जी। कैसे हुआ व्यवस्था? बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी। उठाए थे जी 22 तारीख को? हम सोमवार को सवेरे जल उठाए थे। गदगद है? नहीं बिल्कुल गदगद है। बाबा का दर्शन भी गदगद हुआ। हम बहुत आनंद पूर्ण से यात्रा किए हैं और हम लोग पिछले जल उठाए थे आप लोग? हाँ पैदल यात्रा ही किए हैं और पिछले 25 सालों से बाबा के दरबार बहुत आनंद है। हर हर महादेव। बोल बम। देख सकते हैं इन लोग जो है काफी ज्यादा खुशी है यहाँ पे और सबको जल चढ़ा के काफी ज्यादा खुश दिख रहे हैं। कहाँ से आए? असम से। बम असम से। बोल बम से यहाँ पे आए हैं। कब जल चढ़ाए आप लोग? हम लोग अभी चढ़ा के आ रहे हैं। अभी चढ़ा के आ रहे हैं। अभी चढ़ा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बोल बम। बोल बम। सब बाबा ने मनोकामना पूरा कर दिया। सब बोल बम। कहाँ से आए? कलकत्ता। कलकत्ता से जल चढ़ा दिए? हाँ जल चढ़ा। कब उठाए सुल्तानगंज से जल? मंगलवार। मंगलवार? मंगलवार 3 बजे निकले थे। 3 बजे? हाँ। किससे चढ़ाए? पैदल? हाँ सब पैदल चढ़ाए। बोल बम।
लग रहा है बाबा, हमने तो बहुत अच्छा लगा बाबा पास आके, मन शांति हुआ, मन शांति हुआ, मन शांति है बाबा देख। पहला साल है बाबा का, हम लोग का ग्रुप पहला साल है बाबा का पास। अब बाबा दर्शन बहुत अच्छा से किए, बहुत अच्छा दर्शन किए बाबा का। सब युवा सब जो है खुश है और यहाँ पे एकदम बाबा में एकदम झूम रहे हैं, एकदम बहुत ही एकदम गदगद एकदम माहौल बना दिया। बोले जय माता सत्ता काली की जय, महादेव बाबा भूतनाथ की जय। महादेव के दरबार में वही आते हैं जिनको बाबा बुलाते हैं, बाबा बुलाते हैं। क्या बात है, क्या सर आपका? मेरा नाम है लालू, लालू जी है। आप बंगाल से आए हैं? अरे बंगाल का कत्ता सा है, बंगाल से। पहला बार का यात्रा आपका बहुत, मेरा बहुत अच्छा यात्रा हुआ बाबा का, पहली बार बंगाल कुशल मंगल हम लोग बाबा का। बाबा साहब यहाँ पे पंडा बाबा जी हैं और उनसे हम लोग बातें करते हैं कि कैसी व्यवस्था है। बाबा सबसे पहले आपको हर हर महादेव बोल बम बाबा। हर हर महादेव, जगन्नाथ भोलेनाथ, वो नाथ कैसे हुई, बम बम महादेव, बम बम महादेव। बाबा इस बार कैसा प्रशासन व्यवस्था, कैसा बोलबम का कैसा व्यवस्था देख रहे हैं आप लोग? बोलो झारखंड राजा की जय, प्रशासन की जय, पंडा बाबा की जय, समस्त भक्त की जय। अरे व्यवस्था तो वो लगाते हैं जिनका बुलावा आता है, हमारा आपका तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। बाबा सबको सफल करे, सबको आनंद रखे, सबको मंगलमय रहे, 24 का सावन बम बम करके भोले बाबा सबको पार लगावे। क्या प्रशासन, क्या यात्री, क्या बाबा, सब आनंद रहे। भोलेनाथ अपने आनंद सबको रखते हैं और अपने रहते हैं आनंद में। इनका नाम भोला बाबा है, परपंच करने से ये रुक रुक ले लेते हैं, ये किन्हीं को नहीं छोड़ते हैं। ये पंडा पुजारी रहे, प्रशासन रहे, ये नेता रहे, अफसर रहे, सब भक्त मिल के जितने व्यवस्था का है सब इनका तन मन धन से समर्पण है। बोलो साचे दरबार की जय। बाबा कब से यहाँ पे बोलबम का यात्रा कांवर स्टार्ट हुआ बाबा, एक बार लगभग? ये कांवर की यात्रा प्रभु रामचंद्र जी लाए थे, प्रभु रामचंद्र जी पूरा विजय प्राप्ति करके आए तो रामेश्वर में तो पूजा करवे किए हैं, यहाँ पर भी जल चढ़ाए और जल चढ़ाने के बाद महादेव इतना प्रसन्न हुए, जो मांगे सब मिला। ये कामना लिंग बैद्यनाथ है, यहाँ काम आदि सब तखा पर धरा जाता है या मोक्ष मिलता है। जो परपंच करते हैं उसको मोक्ष नहीं मिलता है, जो हर हर रहते हैं उसको बाबा हरदम मोक्ष देते हैं। बोले साचे दरबार की जय। नाम हुआ बाबा, थोड़ा नाम, द्वारी बाबा की जय। द्वारी बाबा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो देख सकते हैं, गलत नहीं बोला, नहीं नहीं एकदम। तो देख सकते हैं आप लोग जो है यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा है, कांवरिया सब काफी ज्यादा गदगद है, जो भी जल अर्पण किए हैं वो एकदम रांची झारखंड से आए हुए हैं। जी जी जी, ऐसा अनुभव पूरा गदगद है, मन पूरा, पूरा शरीर का रोग दुख खत्म हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। एक बार बाबा का दर्शन ही, देखिए कैसे यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। सनातन संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर देखिए कांवड़ ले जाने की एक अनोखी परंपरा है जो बहुत ही प्राचीन है। कहते हैं कि महादेव बहुत ही भोले होते हैं और वो जल्दी ही प्रसन्न होते हैं, और कहा जाता है कि वैसे कांवरिया भक्त जो कांवड़ लेकर जाते हैं भगवान शिव उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब देखिए जैसे जैसे युग आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कांवड़ ले जाने की परंपरा जो है और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। पहले हम देखते थे बहुत सिंपल से कांवड़ ले जाते थे कांवरिया भक्त, लेकिन अब देखिए अनोखी तरह के कांवड़ ले जाने की परंपरा शुरू हो गई है। इसी कड़ी में हम आपको तस्वीर दिखाते हैं बिहार के मुंगेर जिले की, जहां पर देखिए 1.5 क्विंटल का कांवड़ लेकर जा रहे ये सभी कांवरिया भक्त, और तो और इसमें खुद भगवान बजरंग बली की प्रतिमा को भी स्थापित कर दिया उन्होंने। तस्वीर देखिए, कांवड़ यात्रा जीवन यात्रा का प्रतीक है जिसका उद्देश्य अनुशासन, सात्विकता और वैराग्य के साथ ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना है। हमारे संस्कृति में कांवड़ ले जाने की परंपरा बहुत पुरानी है,
कहा जाता है कि शिवजी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और कावर उठाने वाले यात्रियों से वो बहुत जल्दी खुश होते हैं। और अगर आजकल की बात करें तो प्रचलन में है कि जितने भी कावरिया भक्त हैं, वो विशाल आकर्षक कावर लेकर जाते हैं बाबा नगरी की ओर। इसी कड़ी में तस्वीर सामने आई है बिहार के मुंगेर से, जहां कावरिया भक्त विशाल कावर लेकर निकल पड़े हैं बाबा के दर्शन के लिए। कहा जा रहा है कि ये कावर 1.5 क्विंटल का है, जिस पर बजरंग बली की प्रतिमा विराजमान है। बताया जा रहा है कि ये सभी भक्त अजवैगीनाथ धाम पहुंचे, जहां अजवैगीनाथ धाम मंदिर घाट पर कावर उठाने के पहले जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर पूजा अर्चना की और भक्ति भाव से फिर कावर लेकर निकल पड़े बाबा के दर्शन के लिए। इस कावर को देखने के लिए जगह जगह लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जत्था के सदस्यों ने बताया कि पिछले लगभग 9 सालों से सावन में नए नए रूप में कावर लेकर ये आते रहे हैं। कावरिया भक्तों की माने तो कोलकाता के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा इस कावर का निर्माण किया गया है। कावर का वजन लगभग 1.5 क्विंटल है, जिसे बनाने में 50,000 से ऊपर का खर्च आया है। सावन की दूसरी सोमवारी पर ये सभी बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर महादेव पर जल अर्पित करेंगे। लेके जा रहे हैं क्या है ये? कितना वजन है इसका? 200 किलो। 200 किलो। कितने सालों से जा रहे हैं ये? आप लोग 5 साल से जा रहे हैं। हाँ, कैसे, क्यों, क्या उद्देश्य इसको लेके जाने का? लोग का सब जो बम है, सब बम का इच्छा है, भगवान का मूर्ति लेके चलेंगे बाबा का। हर साल अलग अलग लेके जाते हैं कि एक ही साल? अलग अलग लेके जाते हैं। इस बार बजरंग बली का? कितने लोग मिलके लेके जाते हैं इसको? 50 लोग। इसको इतने लोग उठाते हैं? उठाता है टोटल 4 लड़का और रहता है। बाकी बारी बारी से सब लेके जाते हैं। कितने दिन में पहुँचिएगा? हम लोग पहुँच जाएंगे रविवार रात तक, वहाँ तक पहुँच। कब जल उठाए थे हम लोग? कल 3 बजे करीबन में जल उठाए, फिर वहाँ से पैदल रास्ता चले थे। कैसा लगता है जाने में? बहुत अच्छा लगता है। इतना धूप गर्मी के बावजूद भी बहुत, सब बाबा का कृपा है, सब बाबा का कृपा से सब होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सपन हाजरा। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग कलकत्ता से आए। कितने कांवड़िया का आप लोग का जत्था है पूरा? वही 50। अच्छा, कोई नाम भी है ग्रुप वगैरह का? कलकत्ता बम। कलकत्ता लेके जा रहे हैं। कितने केजी का है? 1 क्विंटल। कहाँ से हैं? रूबी से। कहाँ पड़ता है? कोलकाता। कितने केजी का है? 1 क्विंटल। किस चीज़ से बनाए हैं? 16 का। कितने दिन लगा थे इसको बनाने? इसको मैं लगा 2 महीना, 2 महीने से 1 महीना। कितने दिन हुआ आप लोग को जल उठाने से? उठाने से हुआ आपका 4 बजे। कब तक पहुंच जाएंगे देवघर? हम लोग पहुंच जाएंगे रविवार को। इतने बड़े कांवर लेके चलते हैं रोड में, कांवरिया पथ में, क्या परेशानी होती है? हम लोग का एक दुआ का लेके परेशानी कुछ नहीं है, हम लोग 100 के लेके जाना। कितने वर्षों से चल रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे 10 साल से ऊपर। क्या नाम हुआ आपका? अमित शाह। कितने लोग रहते हैं? 50। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं बिहार की। जरा देखिए सुल्तानगंज में क्या कुछ तस्वीर देखी जा रही है। अगर बात करें तो कांवरिया भक्तों में यहाँ पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है और रौनक जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। सभी भक्त देखिए पैदल पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भक्तों का साफ तौर पर कहना है कि वो इतने दूर दूर से चल कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें थकान नहीं महसूस हो रही है। उनका ये भी कहना है कि थकान कैसे महसूस होगी, हम सभी महादेव के दर्शन के लिए निकले हैं और एक बार जब बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो जाए। बाबा सावन के महीने में बिहार के सुल्तानगंज गंगा घाट से लेकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में अर्पित कर निर्धारित है। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पहुंचे शिव भक्तों की कतार मंदिर के 12 किलोमीटर दूर से ही लग रही है। वो 100 मीटर से जलार्पण कर रहे हैं। शिव भक्त कांवरिया मंदिर के संस्कार मंडप से मान सरोवर क्यू कॉम्प्लेक्स और नेहरू पार्क होते हुए बाबा के दरबार तक पहुंच रहे हैं।
बताया जा रहा है कि भक्त अगर जल्दी दर्शन करते नाग की अगर बात करें तो वो भोलेनाथ के आभूषण भी कहलाते हैं। हम सभी तस्वीरों में देखते हैं भगवान शिव शंकर कैसे उसे अपने गले में लपेटे रहते हैं। अब इसी कड़ी में आपको तस्वीर दिखाते हैं उस जगह की जहां नदियों से जहरीले सांपों को पकड़ने की परंपरा है। कहां पर है ये जगह, झारखंड या बिहार, हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है बिहार के बेगूसराय की, जहां मंसूर चक प्रखंड के आगापुर गांव में नाग पंचमी के मौके पर जहरीले सांपों को नदियों से पकड़ने की एक विशेष परंपरा है जो आज भी कायम है। ये परंपरा न सिर्फ नाग पंचमी को खास बनाती है बल्कि इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। सांपों के लगने वाले इस मेले को देखकर लोग इसे दैविक कृपा भी मानते हैं। बता दें कि नाग पंचमी के दिन आगापुर गांव में एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों जहरीले सांपों को लोग पकड़कर उसका प्रदर्शन करते हैं, जो अपने आप में ही आश्चर्यजनक लगता है। पर सालों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उसी तरीके से कायम है जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। बता दें कि सांप एक जहरीला ये मेला का आयोजन एक परंपरा, एक आस्था, लोगों का आस्था है और आस्था के प्रति लोग का विश्वास है और विश्वास के साथ मेला में माँ भगवती की पूजा का आयोजन करते हैं, पूजनोत्सव मनाते हैं। उसमें सांपों का मेला लगता है, भगत के द्वारा सांप का प्रदर्शन किया जाता है। भगत जी नदी जाते हैं स्नान करने के लिए और वहाँ से सांप का प्रदर्शन करते हुए यहाँ लोगों के बीच उसको रखते हैं, दिखाते हैं। क्या डर नहीं लगता है? हमको तो डर लगता है, तो डर लगता है, लेकिन वो लोग को डर नहीं लगता है तब तो वो उसके साथ हाथ में लेके प्रदर्शन करता है। अगर कोई अनहोनी हो जाए काट ले किसी को तो? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है और इसी आस्था और विश्वास के साथ लोगों का आत्मविश्वास, ऐसा लगता है कि माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त है। तो आज लगभग 40 वर्षों से ये मेला। सांप पकड़ने का सिलसिला कब से रहता है? सांप पकड़ता है क्या करता है वो तो वो लोग भगत जी जानेंगे। वो नदी में निकालते हैं, मंत्र से निकालते हैं कि जेवी से निकालते हैं। अब अगर बिहार के भागलपुर की बात करें, सुल्तानगंज की बात करें, तो सबसे पहले हमारे जहन में ख्याल आता है श्रावणी मेला का। भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और वो लगातार श्रावणी मेले में पहुंच रहे हैं। लेकिन लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इसे लेकर लगातार जिला प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। सभी तरह की सुविधाएं दी गई हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं और इसी कड़ी में देखिए किस तरीके से जिलाधिकारी और कमिश्नर पहुंच गए हैं वहां का जायजा लेने के लिए। सावन के पांचवे दिन सुल्तानगंज के कांवरिया पथ पर भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं श्रावणी मेले की बात करें तो लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और भक्तों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए प्रशासन लगातार इसका निरीक्षण भी कर रही है। इसी कड़ी में भागलपुर के कमिश्नर और जिला अधिकारी ने कांवरिया रैन सेंटर, कांवरिया विश्राम स्थल, स्वास्थ्य शिविर, कांवरिया पथ सहित अन्य सुविधाओं को लेकर स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही बाहर से आने वाले कांवरियों से फीडबैक भी लिए। इस दौरान डीएम और कमिश्नर ने बताया कि श्रावणी मेले में कांवरियों को जो सुविधा दी गई है उसके लिए बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। आज हम लोग आए थे कि जो कांवरिया लोग हैं उनके लिए आवासन की व्यवस्था कैसी है और क्या क्या सुविधाएं जो दी जा रही हैं वो प्रॉपरली उनका क्रियान्वयन हो रहा है कि हम लोगों ने दोनों तीनों कैंपों में घूम करके देखा। उनके लिए जो टॉयलेट्स या शौचालय की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है, उनके सोने बैठने और सफाई की व्यवस्था है। तो सफाई के लिए हम लोगों ने बोला है कि हम लोगों का पहले भी जो रहा है मीटिंग में हम लोगों ने पहले भी बोला है कि सफाई इस बार बढ़िया होनी चाहिए। तो हम लोगों ने ताकीद भी की है कि सफाई रेगुलर करें और बराबर करें। और मैं कांवरिया लोगों से अपील करूंगा कि जहां पर टेंट वगैरह नहीं है, जहां पर ईयर मार्क जो किचन का शेड बनाया हुआ है, खाना वाना वहीं पर बनाया, वहाँ पर हम लोगों ने किचन के लिए अलग से व्यवस्था की है और वहाँ पर बालू और पानी ये सब रखवाया हुआ है ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना होने का कोई वो नहीं, चांस नहीं लगे। और दूसरा स्वास्थ्य शिविर भी हम लोगों ने किया हुआ है दोनों जगह पर है। तो कांवरिया पथ में जो लोग हैं उनको अगर कोई भी तकलीफ होती है तो
जाकर के जरूर उसको दिखा लें, जो नज़रअंदाज न करें, और कोई भी फीडबैक हम लोग आगे भी आते रहेंगे, और कोई भी फीडबैक या कोई भी सुधार करना होगा तो हम। सर एक नई टेंट सिटी का निर्माण करने की बात। हाँ, एक नई टेंट सिटी का निर्माण हम लोग यहाँ पर बगल में वो करेंगे, वहाँ वो भी करेंगे 200-300 करीब, तो वो हम लोग करा रहे हैं ताकि और आवासन में दिक्कत नहीं हो। मौसम थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी हो रही है, उसके मद्देनज़र भी हम लोगों ने कुछ उन लोगों को ताकीद की है एडिशनल पंखे लगाने के लिए। मेरे ख्याल से अभी लग ही जाएगा एक दो घंटे में, वेंटिलेशन वगैरह पूरा हो, पानी का लोग पूरा पी करके चले, पानी का पूरा व्यवस्था किया हुआ है। किसी भी तरह कोई भी हो तो कंट्रोल रूम जरूर फोन करें, हम लोग जरूर उसको दूर करने का उपाय करेंगे। और हम लोगों ने कुछ कांवरियाँ लोगों से बात भी की, तो लोगों का फीडबैक भी लिया, तो उनका कहना है कि अच्छी व्यवस्था इस बार पहले से की गई है, और मैं आशा करता हूँ कि प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था जो है पूरे सावन में और भी बढ़िया, हम लोग इसका पूरा यही लेवल जो है क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। आयुक्त महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया है और जो हम लोगों ने फीडबैक लिया है कांवड़िया बंधुओं से, तो सभी लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आयुक्त महोदय का निर्देश है कि हम लोग काफ़ी अच्छी व्यवस्था अपने सभी गांवों को लगा करके करें, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, स्नान घर की व्यवस्था है, ऊपर की जनों को सफाई हो, जो अभी बालू कांवड़िया पथ में बिछा हुआ है उसको रिप्लेनिशमेंट कराना है, और उस पर वाटर स्प्रिंकलर से हम लोगों को पानी छिड़काव करना है, तो सभी का निर्देश है और हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से। डिप्टी सीएम की ओर से उड़नदस्ता टीम का भी गठन के लिए आदेश दिया गया था सर, कुछ उस तरह का आदेश आया है सर? प्रशासन में हम लोग उड़नदस्ता टीम रखे ही हुए हैं, क्यूआरटी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्विक रिस्पांस टीम, वो टीम हम लोगों ने पहले से गठित किया हुआ है। लेकिन और भी यदि कांवड़िया बंधुओं का कुछ हमें लगे कोई शिकायत है तो हम लोग उस टीम को और मजबूत करें। सर अभी आपने कुछ कांवड़ियों से बात की, तो फीडबैक क्या मिला सर, कैसे मिला? आप सभी लोग साथ में थे, सुन रहे थे, सभी कांवड़िया बंधुओं ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है। कांवड़ियों को और बेहतर सुविधा देने के लिए कांवड़ियों से भी फीडबैक लिया गया, जो कांवड़ियों ने अच्छी व्यवस्था की बात कही है, और कांवड़ियों को और बेहतर सुविधा दी जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस दौरान जिला और प्रखंड के पदाधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। कांवड़ियों ने कमिश्नर और जिलाधिकारी के इस कार्य की जमकर तारीफ की। अब जरा देखिए किस तरीके से दिन प्रतिदिन जो है और भक्तों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। साफ तौर पर भक्तों का कहना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आप सभी को हर हर महादेव।